मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमत्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वावेशो वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै जिसने द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया बोध वीर जिन हरि हर ब्रह्म या उसको न्याय मंदिर नाम का ग्रंथ हमारे सामने है और हमने चर्चा प्रारंभ की है कि हम यदि किसी वस्तु को जानेंगे, वस्तु के स्वरूप को समझेंगे तो कैसे समझना चाहिए। तो आचार्यों ने उसका सरल जवाब दिया कि न्याय से समझना चाहिए। प्रश्न भी था न्याय किसे कहते हैं, तो जवाब दिया जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र भी है प्रमाण नयी और अधिगम के अधिगम जो होता है तत्वार्थों का वो प्रमाण और नयों के द्वारा होता है। इसलिए इस न्याय को प्रमाण नयात्मक भी अपन कह सकते हैं। लेकिन इस प्रमाण का और नये का विवेचन किस पद्धति से होता है? प्रमाण और नये का विवेचन क्रमशः उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा होता है। अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का मैंने अभी पढ़ा आपके सामने कि जब भी हमको किसी भी वस्तु के बारे में निर्णय करना हो तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका है कि सबसे पहले जिसका निर्णय करना है उसका नामोल्लेख करो। बस इसी को कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य में आधा शाह और या है, वो लक्ष्य शब्द के अर्थ में होता है। यहाँ पूरा शाह है, बोर्ड होता तो अपन लिख देते, नहीं तो पुस्तक में देखो आपको दिख जाएगा। प्रश्न क्रमांक 110, प्रश्न क्रमांक 2, प्रमाण और नय का विवेचन किस पद्धति से होता है? कि प्रमाण और नय का विवेचन क्रमशः उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा होता है। क्या अर्थ है इसका? अपन एकदम सरलतम भाषा में आप ये समझ लो कि एक तो ये मुख्य मुद्दा ये कि हम जब भी मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ करें तो पहले मोक्ष मार्ग का ज्ञान कर लेवें फिर गमन करें, या ज्ञान करते करते गमन करें, या गमन करना शुरू कर दें ज्ञान आगे पीछे करते रहेंगे। तीन ऑप्शन हैं आपके पास, तो बोलो कौन सा चुनें? ज्ञान और गमन। ज्ञान भी आवश्यक है सब कहते हैं, और ज्ञान ही ज्ञान करते रहें और गमन ना करें तो भी बोले क्या होगा उस ज्ञान का। तो अब आप हमको ये बताओ ज्ञान और गमन में से पहले क्या करें, ज्ञान करें कि गमन करें?
साथ साथ, मतलब चलते भी जाएं, खड़े कब तक रहेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, क्या बिना ज्ञान के गमन संभव भी है? नहीं है संभव? कि भाई आप जो बिना ज्ञान के गमन की बात कह रहे हैं और बिना ज्ञान के गमन प्रारंभ भी कदाचित कर देंगे तो हम उसको गमन नहीं कहेंगे, हम उसको भ्रमण कहेंगे। उसका भावार्थ होगा भटकना। यदि आप गमन करना चाहते हो निर्धारित लक्ष्य की ओर, तो ज्ञान किए बिना एक कदम भी नहीं चलना। हम समझो एयरपोर्ट से बाहर उतरे और हमारे ज्ञान में नक्की ना हो कि लेफ्ट जाना चाहिए कि राइट जाना चाहिए, इतना सा नक्की ना हो, और हम चलना शुरू कर दें। हमको ज्ञान ना हो, एड्रेस पता ना हो किधर जाना है, और साथ में दूसरा हो तो बोले खड़े खड़े तो मिलेगा नहीं तुमको, ये बात तो सही है इसकी, तो क्या करना चाहिए कि चलो। तो कई लोग इस ज्ञान से ऊब जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि तुम क्या ज्ञान 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 ज्ञान, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करो। और प्रैक्टिकल के नाम पर जो कराते हैं वो सब आप उससे सुपरिचित हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या प्रैक्टिकल बिना थ्योरी के संभव है? प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रयोग नहीं करेंगे तो ज्ञान का अचार डालोगे क्या? प्रयोग करने के लिए ही ज्ञान है। लेकिन मुद्दा यह है कि ज्ञान और गमन में से चुनाव करना हो तो पहले चुनाव पहले क्या आएगा, ज्ञान या गमन? तो बोले पहले ज्ञान ही आएगा। और बिना ज्ञान के गमन किया तो उसका क्या असर होगा? क्या उसके लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है? जितने भी आज दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर, ऐसा लगता था कि इनसे संत बड़ा कौन हो सकता है, जिनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं, बेबी जेल की सिंखचों में हैं, क्योंकि तत्संबंधी मार्ग नक्की नहीं था ज्ञान में और चलना शुरू कर दिया था, तो वाहवाही में जो आ गया था उसका नाम तो मार्ग नहीं था। इसलिए बिना जाने तो संभव ही नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हैं और आपको ज्ञान नहीं है किधर जाना चाहिए, और आप चलना शुरू कर दें, कितने दिन में मंजिल पहुंच जाएंगे? कितने दिन में मंजिल? आप दुनिया का अभी शायद आपने देखा नहीं है, अभी देखा ना कहाँ कितना बड़ा अर्थ नहीं वो तो इतना सा है कि एक बार यदि बिछड़ गए, और आज भी ऐसे केस हैं कि नहीं है लाखों कि एक बार अलग हुए थे तो दोबारा मिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए बिना ज्ञान के गमन करना तो संभव ही नहीं, तो इसलिए ज्ञान करना चाहिए। अब इतना तो तय हो गया कि ज्ञान करना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान किया कैसे जाता है, ज्ञान करने की विधि क्या है? तो विधि की चर्चा हम आपसे यहां करेंगे कि ज्ञान करने की विधि है कि भाई उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, तीन शब्द मैंने कहे, आप क्रम से बोल दीजिए। पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण निर्देश, तीसरा परीक्षा। पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण निर्देश, तीसरा परीक्षा। उद्देश्य का मतलब है नाम कथन। नाम कथन माने जिसके हमको चर्चा करनी है, जिस मार्ग पर हमको चलना है, जिस विषय को हमको समझना है, उसका नाम मात्र कथन, उसका नाम है उद्देश्य। दूसरा है लक्षण निर्देश। उसमें क्या होगा कि जिस विषय का आपने कथन किया है, जिस वस्तु का नाम लिया है, उसके हमको लक्षण बताओ, अन्यथा हम वस्तु को पहचानेंगे कैसे? लक्षण ही नहीं पता होगा। जैसे अभी होता है कई लोग, चलो हम सब आत्मा देखते हैं, क्या करें आत्मा देखने के लिए, कैसा अब आप अलर्ट हो जाओ, आप आलती पालती मार के बैठ जाओ, अब आप गहरी सांस लो और फिर आप और उपयोग को एकाग्र करो, फिर नाभि स्थान पर उपयोग को लगाओ, फिर हृदय स्थान पर लगाओ, फिर माथे पर लगाओ, फिर आपको एक सफेद प्रकाश पुंज दिखाई देगा, वही आत्मा है। अब क्या हुआ, आपने मान भी लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमको इसका सही लक्षण तो पता ही नहीं था,
और सामने वाले ने जो बताया उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की हम सोच भी नहीं सकते थे। और हम तो शुरुआत ही यहां से करते हैं, कहां से? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, यही का यही प्रकरण पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिया है कि तत्व का निर्णय कैसे किया जाता है, तत्व का विचार किस पद्धति से किया जाता है, कि उद्देश्य कथन, लक्षण निर्देश और परीक्षा। अब बोले लक्षण तो मिल जाएगा हमको, लेकिन ध्यान रखना हर लक्षण लक्षण नहीं होता है। कुछ लक्षण लक्षणाभास भी होते हैं जिन्हें हम लक्षण नहीं कहेंगे, लेकिन आप उनको लक्षण कह सकते हो। तो हम जो लक्षण की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चल रही है गाड़ी अपनी। पहली बात क्या, वस्तु का स्वरूप समझना है, हम उसका लक्षण बनाएंगे तो हम वस्तु का स्वरूप समझ पाएंगे। जैसे पूरे समय सार में भगवान आत्मा का लक्षण ज्ञान बनाए, बराबर। लेकिन उससे पहले की बात हम ये समझ रहे हैं कि जो लक्षण बनाएंगे उसके कुछ लक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने आत्मा का लक्षण जो बनाया, अथवा थोड़ी देर पहले एक वाक्य बोला था उससे आत्मा का लक्षण बन गया था कि जो सफेद सफेद प्रकाश पुंज होता है उसको आत्मा कहते हैं, तो सफेद सफेद प्रकाश पुंज ये हो गया उसका लक्षण और आत्मा लक्ष्य हो गया। तो बोले ये लक्षण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बोले आप जो लक्षण बनाओगे ना उसमें भी लक्षण होना चाहिए लक्षण बनने के। यदि उसमें लक्षण के लक्षण नहीं होंगे तो वो लक्षणाभास होगा, लक्षण नहीं होगा। नहीं होती है, रेलवे स्टेशन की चाय पीते हैं तो चाय है कि चाय भास है? वो चाहे लक्षण रहे तत्वे सती, चाहे वद वास माना चाय भाषा, कि चाय के लक्षण तो उसमें कुछ होते नहीं है, लेकिन चाय की तरह दिखती है, उसका नाम चाय है, वो बेचने वाला चाय 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 बोलता है तो हमको भी लगा कि भूल रहा है तो होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो वस्तु का नाम रखा गया हो और जो आप सोच रहे हैं वो उस वस्तु में हो, तो वस्तु में जो लक्षण होना चाहिए वो निर्दोष होना चाहिए। हम कुछ भी लक्षण नहीं बना सकते हैं, उस लक्षण के लक्षण क्या कहें कि निर्दोष होना चाहिए। तो उसके निर्दोषता कैसे शामिल करें, तो मैं क्रम से पढ़ूंगा तो समझो अपना विषय खूब है। तो मैं आपको बिना क्रम के पुस्तक में से पढ़ते जाना आप, लेकिन मैं समराइज करके आपको बताता हूँ कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए। कि दोष कौन से होते हैं लक्षण के, कि लक्षण के दोष होते हैं तीन। पहला है अव्याप्ति, बोलिए अव्याप्ति, बोलिए अव्याप्ति। दूसरा है अतिव्याप्ति, क्या बोला? अतिव्याप्ति। और तीसरा है असंभव। ये क्या है? लक्षण के लक्षण, हाँ दोष। धन्यवाद। लक्षण के लक्षण नहीं है ये, ये लक्षण के दोष है। यदि आपने जो लक्षण बनाया है, ये देखना अगर आपने इतनी सी बात समझ ली तो आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत इजी हो जाएगी। अभी हम वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम तराजू तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर वस्तु के स्वरूप को तौलेंगे, जिसके आधार से हम वस्तु के स्वरूप का निर्णय करेंगे। क्योंकि अभी तो हमारे पास पैमाना ही नहीं है, हम कहेंगे कपड़ा नापो तो आप क्या कहोगे कि मैं वो मीटर नहीं लाया। तो पहले तो मीटर तो ले आओ। तो हम कहते हैं रोज सुबह शाम कम से कम 15 बार बोलते होंगे कि वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो, वस्तु के स्वरूप का निर्णय करो। तो फिर हम भी सोचते हैं कि निर्णय कैसे करें, कैसे नापें वस्तु को, भाई साहब आपकी ऊंचाई कितनी है, कि भाई फीता लाओ तो हम बताएं, आपका वजन कितना है, कि भाई इसके लाओ तो हम बताएं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, कि ब्लड टेस्ट दो रिपोर्ट आएगी तो हम बताएं। तो आप समझे क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जिस वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना है उसका आधार क्या है, हम वस्तु को तौलें कैसे, उसको मापें कैसे, उसका निर्णय कैसे करें। तो आपने कहा कि लक्षण से निर्णय कर लो, देख लेना उसमें उसके निर्णय होंगे। जाओ नमक ले आओ, लक्षण बताओ कि खारापन है, कोई दिक्कत नहीं आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमने कहा जाओ नमक ले आओ, वो सफ़ेद रखा है, अब क्या होगा, काम होगा कि नहीं होगा? कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और होने की कम संभावना है, नहीं होने की ज़्यादा संभावना है। काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, और बहुत महंगा पड़ सकता है कभी कभी। चूहे मारने की दवाई रखी हो सफ़ेद रंग की और लक्षण बनाया था सफ़ेद,
कि थोड़ा सा नमक डाल दे इसमें, कौन सा वाला, वो सफेद वाला। लक्षण मिलाए बिना यदि हमने ऐसे लक्षणों से निर्णय कर लिया जिन लक्षणों में दोष है, कौन से दोष हैं, तीन मुख्य रूप से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अगर इन तीनों में से कोई सा भी दोष है, एक हो तो भी वह वस्तु लक्षण दूषित हुआ, और तीनों के तीनों हो तो भी वह दूषित हुआ। तो इसका क्रम से अपन विचार करो कि अव्याप्ति दोष किसको कहना, किसकी बात चल रही है, ये लक्षण के लक्षण की बात कर रहे हैं कि उसका लक्षण निर्दोष होना चाहिए। और तीन ही दोष होते हैं, तो सबसे पहला दोष अव्याप्ति। अव्याप्ति माने कभी कभी हम वस्तु का ऐसा लक्षण बना लेते हैं, वह वस्तु में पाया तो जाता है लेकिन पूरी वस्तु में नहीं पाया जाता है, आधी वस्तु में पाया जाता है, माने वो पूरी वस्तु में व्याप्त नहीं होता है, इसलिए उसके आगे लगा दिया अ। जो पूरा व्याप्त ना हो वस्तु में उसको कहेंगे अव्याप्त, अव्याप्ति नाम का दोष हो गया। जैसे अपन दृष्टांतों से बहुत सरल हो जाता है विषय, जैसे गाय है, गाय उसका हमको लक्षण बनाना है, क्या लक्षण बनाए बोलो, कैसी होती है गाय, अथवा जीव ले लो अपन आत्मा की बात करो, जीव का लक्षण बनाओ, तो हम अगर जीव का लक्षण बनाए तो कौन सा बनाए, जो राग द्वेष करता है, जो सुख दुख भोगता है, क्यों जीव में नहीं पाया जाता, ये जीव में नहीं पाया जाता, कौन सुख दुख का अनुभव कौन करता है, शरीर या जीव, जीव ही करता है ना सुख दुख का अनुभव, तो हम जीव का लक्षण यदि सुख दुख बनाए तो क्या दिक्कत है, कि दिक्कत ये है कि जितने भी जीव हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, जीव, तो ये सब जीवों में नहीं मिलेगा, जो जो संसारी जीव होंगे उनमें तो ये लक्षण आपका घटित हो जाएगा राग द्वेष वाला, लेकिन जो मुक्त जीव होंगे उनमें वह लक्षण घटित नहीं होगा, तो क्या हुआ, कौन सा दोष आया, अव्याप्ति। क्यों आया, क्योंकि जो आपने लक्षण बनाया था वो पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं हुआ। अब आप ढेरों दृष्टांत बना सकते हो, जैसे देखो इसमें उदाहरण दिया, अथवा गाय का लक्षण बनाया, कौन सा लक्षण बनाया, श्वेत वर्ण। अब क्या होगा, क्या सारी गायें श्वेत होती हैं, हम आपसे कहें जाओ गाय ले आओ तो क्या करोगे, लक्षण पूछोगे तो हम बताएंगे आपको कि भाई जो सफेद होता है वो ले आओ, तो आप क्या करोगे कि जो जो सफेद गायें होंगी वो तो आप ले आओगे, और काली गाय हुई तो छूट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लक्षण बनाया ना मजेदार नहीं बनाया, मजेदार मतलब दोषपूर्ण लक्षण है, इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। और कभी कभी लक्षण ऐसा होता है कि जिसका हमने लक्षण बनाया है उसमें तो पाया जाता है, उसके अलावा भी पाया जाता है, जैसे जिसको अतिव्याप्ति कह रहे हैं, जिसको हमने अतिव्याप्ति कहा, अथवा और गधा है, लक्षण बनाओ उसका, मैं क्या कहूँ उसको, आपको तीन लक्षण के दोष हैं, जब भी हम लक्षण बनाएं उनमें ये तीन दोष नहीं हो, कौन से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। गाय का लक्षण हमने बनाया सफेदपना, इसमें कौन सा दोष है, दोनों भी हो सकते हैं, आप किधर से देख रहे हैं तो बोले इसमें दोनों दोष है, क्यों, क्योंकि जब हम गाय लेने गए तो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य भी ले आए और लक्ष्य को आधा लक्ष्य छोड़े आए, जो काली गाय थी, भूरी गाय थी, चितकबरी गाय थी वो रह गई थी और ये चले आए थे साथ में। अथवा पशु का लक्षण बनाओ, पशु का लक्षण जाओ पशुओं को लेके आओ, ऋषभ, अमेरिका में जितने भी पशु हैं, पशु समझते हो ना, एनिमल को कलेक्ट करना है अपने को, उनकी काउंटिंग करनी है, समझो कैसे काउंटिंग करेंगे, भाई हमको लक्षण बना दो, तो हमने कहा जिसके सींग होते हैं उसको पशु कहते हैं, उसको एनिमल कहते हैं, तो अभी क्या होगा, सारे एनिमल पकड़ में आ जाएंगे कि कुछ रह जाएंगे, कुछ रह गए ना,
तो पशुओं का लक्षण सींग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये पूरे लक्ष्य में नहीं जाता है, आधे में गया और आधे में नहीं गया। तो बताओ क्या करें, कैसे निर्णय करें कि भाई हर एक विषय का जिसकी अपन चर्चा करेंगे वस्तु की, ऐसा लक्षण बनाओ जिसमें अव्याप्तिपना भी नहीं हो और जिसमें अतिव्याप्तिपना भी नहीं हो, दोनों ही दोष न हो। असंभव की तो आपको साक्षात ही है। जैसे मनुष्य का लक्षण हम बनाएं कि कैसे पहचानेंगे मनुष्य को, कि जिसको सींग लगे होंगे, तो आप क्या कहोगे? भाई आप तो ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है। अथवा गधे के सींग एक ऐसा लक्षण है कि बोले तो असंभव दोष से दूषित लक्षण है। दूसरी बात, लक्षणों के भेद प्रभेद के हिसाब से दो भेद और किए। कौन से? कि कुछ लक्षण होते हैं आत्मभूत लक्षण और कुछ लक्षण होते हैं अनात्मभूत लक्षण। ये आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण में क्या अंतर है? कि जो वस्तु के स्वरूप के भीतर पाए जाएं वे तो हैं आत्मभूत लक्षण, और कुछ ऐसे लक्षण जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न हो उसको कहा हमने अनात्मभूत लक्षण। जैसे बोले वो बाबा जी को बुला के लाओ, तो ये लक्षण बताओ। आप समझ रहे हैं मैं बार बार ये प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, लक्षण बताओ? क्योंकि हम बिना लक्षण से वस्तु का निर्णय कैसे करेंगे? तो उसने तुरंत लक्षण पूछा। हमने लक्षण क्या बताया? कि वो जो बाबा जी टोपी पहन रखी है उनको बुला लाओ। अब क्या होगा कि जब तक वो बुलाने गया तब तक उन्होंने टोपी उतार के जेब में रख ली। क्यों? क्योंकि वो जो लक्षण बनाया था ना, वो कौन सा लक्षण था? आत्मभूत के अनात्मभूत। बोले वो लक्षण अनात्मभूत था, तो इस लक्षण में मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा माने गड़बड़ हो जाएगी, आपके कार्य सिद्धि में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने कोई सामान बाजार से मंगाया और वो लेके आ गया, हमने देखा उससे, अरे यार तू क्या सामान लेके आया, तो गड़बड़ सामान है, वापस करके आ। बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा, शर्म आती है मुझे। नहीं ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, तू मुझे दुकान का पता बता दे, लक्षण बता दे। उसने लक्षण बता दिया कि जिस दुकान के सामने गाय खड़ी थी वहां से लेके आया था। अब क्या होगा? ये जो लक्षण बनाया ना उसने, गलत बनाया सही बनाया? वो तो देख के आया था, लेकिन वो लक्षण बनने लायक नहीं है। हो सकता है जब तक हम पहुंचे तो वो तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो इसलिए जब हम लक्षण तय करेंगे तब क्या ध्यान रखेंगे कि हमने जो लक्षण बनाया है वह आत्मभूत है कि अनात्मभूत है। तो पहले तो अच्छा निर्दोष लक्षण बनाना हो लक्षण, तो अनात्मभूत लक्षणों से बचो। उसके बाद जो आत्मभूत हो उसमें भी दोष नहीं हो। जैसे और देखो, आत्मा कैसी है? कि आत्मा अमूर्तिक है, बराबर। तो आत्मा का लक्षण अमूर्तिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्यों, क्या दिक्कत आएगी? लेने जाएंगे आत्मा को और साथ में कितने द्रव्य आ जाएंगे, यानी खोजने जाएंगे आत्मा को और देखेंगे एक साथ, क्यों लक्षण हमने क्या बनाया उसका? अमूर्तिकपना। तो अमूर्तिकपना, तो अमूर्तिक तो आपका आकाश द्रव्य भी है, अमूर्तिक तो काल द्रव्य भी है, अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अमूर्तिक तो अधर्म द्रव्य भी है। मजा नहीं आया। तो हमको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कहां तक? कि आप तो खोजे जाओ। कब तक? कि जब तक लक्षण आपका निर्दोष नहीं बन जाए। कि इसका क्या करेंगे, निर्दोष लक्षण का करेंगे क्या? देखो सीधा आप पेज निकालो 112 नंबर का। एक सौ ग्यारह पे उसकी शुरुआत की है कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि इतना हम व्यायाम कर क्यों रहे हैं। लक्षण ज्ञान की आवश्यकता भी है कि वैसे ही हुआ को कर रहे हैं। लक्षण ज्ञान के द्वारा ही परस्पर मिलित वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु लक्ष्य का समीचीन ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह जीव अनादि काल से समीचीन लक्षण के अभाव में ही स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण अनंत दुख उठा रहा है। हम भ्रमित कहाँ हो जाते हैं, कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं
कि जब दो पदार्थों के भिन्न भिन्न लक्षण नहीं जानते हैं और वो दो पदार्थ एक साथ मिल जाएं और लक्षण हमको ना पता हो तो हम ठगाए बिना नहीं रहेंगे। होता है, रोज होता है जगत में। मैं कहता हूँ आपको, पहले भी दृष्टांत आपके सबके सुने हुए हैं, उससे आप तुरंत डायरेक्ट पहुँचो विषय वस्तु पर। 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया जावे तो दूध कितना हो जाएगा? 6 किलो नहीं होगा? इतना सा गणित नहीं समझता है। अच्छा, दूध वाले से पूछो, भैया आपके पास कितना दूध है, वो क्या जवाब देगा? 6 किलो। क्या बोलेगा, 5 किलो पानी दूध और 1 किलो पानी? उसका जवाब क्या रहेगा? 6 किलो दूध है। अच्छा, उसको बेचने के बाद उसके जब पास जो पैसे आएंगे वो 6 किलो के आएंगे कि 5 किलो के आएंगे? और जो लेके जाएगा वो घर वालों को क्या कहेगा, मैं कितना दूध लेके आया? कि जितना आपने बताया था, 6 किलो। क्या बात करो, इतना बड़ा व्यवसाय चल रहा है, देने वाला 6 किलो बोल रहा है, लेने वाला 6 किलो बोल रहा है, पैसे 6 किलो के आ रहे हैं और आप क्या कह रहे हो, दूध उसमें कितना है? पक्का मिलनी है इतनी देर में दूध पानी में, पानी दूध में? पक्का नहीं मिला? शांति से विचार करो, आपको जल्दबाजी में नहीं। अब उसको गर्म कर लिया फिर तो एक में एक हो गए होंगे। अरे बोले, आप कैसी बात करते हो, पानी भिन्न वस्तु है, दूध भिन्न वस्तु है, साथ में रहने के बावजूद भी, उसको गैस पे गर्म करने के बावजूद भी पानी की एक बूंद दूध नहीं हुई है और दूध की एक बूंद पानी नहीं हुई है? इतना भेद विज्ञान है आपको, क्या बात कर रहे हो? तो मुझे बताओ, एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु, ये दोनों एक जगह मिल गए, एक क्षेत्र अवगाह हो गए ना, जैसे दूध और पानी एक क्षेत्र अवगाह हुए थे, वैसे एक आत्मा और ये शरीर के परमाणु एक जगह मिल गए। अब क्या हुआ, शरीर आत्मा हो गया कि आत्मा शरीर हो गया? अपनी आत्मा से पूछना। अपनी आत्मा से पूछना, आत्मा से पूछने का मतलब समझते हो? ज्ञान से नहीं, क्षयोपशम से नहीं, उस निर्णय से पूछना कि ये अनंत पुद्गल के परमाणुओं के लक्षण भिन्न हैं और मुझ आत्मा के लक्षण भिन्न हैं। लोक व्यवहार में भले ही मैं 10 बार ये बोलूं कि मैं उठ गया, मैं बैठ गया, मैं खा लिया, मैं सो गया, मुझे बुखार आ गया और मैं लंबा हूं, मैं ठिगना हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, 17 व्यवहार करें, उसके बावजूद भी इन सब व्यवहारों से मुक्त है वह आत्मा, क्योंकि उसका एक भी लक्षण शरीर में नहीं है और शरीर के एक भी लक्षण आत्मा में नहीं है। लेकिन वो जो दूध 6 किलो हुआ था ना, किस किस के लिए 6 किलो हुआ था? 2 लोगों के लिए, एक तो ठग के लिए, जिसको ठगना है वो 6 बोलेगा उसको, सज्जन लोगों के लिए नहीं, ठग के लिए। और दूसरा किसके लिए 6 किलो हुआ है? मूर्ख के लिए, जिसको समझता ही नहीं है दूध क्या है, पानी क्या है, अम्मा जी ने कही थी वो लेके जा रहा है। थोड़ा भी ज्ञानी हो तो उसमें उंगली डाल के यूं देखता है, बोले तेरे दूध में पानी बहुत है, नहीं चाहिए। 2 लोगों के लिए वो दूध 6 किलो है, किन 2 लोगों के लिए? एक तो ठग के लिए और एक अज्ञानी के लिए, मूर्ख के लिए। तो अब आप देख लेना, ये शरीर और आत्मा एक है, किन के लिए? या तो अज्ञानी होगा या बताने वाला ठगरा होगा। अब आपको इसका विस्तार करूं, विस्तार में थोड़ा सा 2 मिनट का, लाओ हाथ दिखाओ अपना, मैं देखता हूँ, अलग से मिल लेना प्रवचन के बाद, जिसको अपना भविष्य जानना हो, और उसके बाद मैं देखूँ और कहूँ आपसे। ये देखो, ये बुध शुक्र के घर में घुस गया, शुक्र शनि के घर में घुस गया, रवि यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, जानकारी मैं बाद में दूंगा आपको। अब बोलो आप क्या करोगे, फोन नंबर लोगे कि नहीं लोगे? क्या वो निर्भर करता है किस बात पर, कि यदि लक्षणों से भिन्न भिन्न होगा कौन, ये शरीर और आत्मा, तो अलग बात है, और एक ही होगा तो फिर तो 1 मिनट भी हम सांस नहीं लेंगे कि आप तो हमको जल्दी से जल्दी बताओ। अच्छा, फिर ये बता भी देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं,
ओके अच्छा उपाय क्या बात है, आप देखते हो क्या जानकारी, फिर उपाय भी बताते हैं, कितना घालमेल है, इसका आधार क्या है, हवा में, सब कुछ हवा में। पहली बात तो आप समझे, यही क्या दिक्कत आई आपको पता चला कि उसने जो भविष्य देखा वो सच देखा या झूठ देखा, देखा ही नहीं। उसका आधार बताओ, उनको तो न्याय पढ़ रहे ना, लॉजिक दो क्यों झूठ, बिना लॉजिक के नहीं, नहीं ये तो आपकी भावना बोली, बता नहीं सकता, उसका दिव्य ज्ञान है और वो बता रहा है, ये तो आप भावनात्मक बोल रहे हो कि क्यों, कोई ज्योतिषी बोसी नहीं होते वे क्यों नहीं बता सकता, देखना उसका लॉजिक क्या है, कि उसका बताया हुआ यदि सत्य है, यदि सत्य है तो उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता है जो उसको पलट देवे, क्योंकि उसने बताया है, उसने कुंडली देख के जन्म जो भी देख के उसने बताया है कि 20 साल बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, बता दिया उसने, अब बता चुका है ना वो, और क्या बता चुका है, भविष्य सत्य बता चुका है, अब इस सत्य को पलटा जा सकता है कि नहीं पलटा जा सकता है, यदि वो उपाय बता रहा है तो उसने झूठ बोला है, होने जाना कुछ नहीं है, उसने बोल दिया है 20 साल बाद एक्सीडेंट होगा, लो भाई साहब मैं उपाय बताता हूं, यानी उपाय बताए तो वो झूठा है, और यदि वो उपाय नहीं बताए तो जान के क्या चार डालोगे भाई, क्या प्रयोजन बचा भाई, मैं जानूं और कुछ फेरफार कर सकूं, एक तरफ तो क्रमबद्ध पर्याय की इतनी जोरदार बात कि आप ये पुद्गल उद्गल की बात छोड़ो, ये एक एक समय के ज्ञान के परिणमन की, वो ज्ञान का गे भी सुनिश्चित है इस स्तर की, और भय इस स्तर का कि मेरे मकान का, मेरी दुकान का, मेरे रुपया पैसे का, मेरे सोने चांदी का कम ज्यादा नहीं हो जाए, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाता है, इसका अर्थ ये है कि आप चीजों को लक्षणों से नहीं शब्दों से जानते हो, मेरा घर है कि नहीं मेरा घर नहीं है, मैं घर हूँ कि मैं घर नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, मेरी गाड़ी है कि मेरी गाड़ी नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसको ऐसा प्रयोग करवाना हो मेरे पास आ जाए, 2 मिनट में आपको टेस्ट ड्राइव दे देता हूँ, मेरे को बता देना कौन सी गाड़ी है, कैसे क्या करेंगे, बहुत सरल उपाय है, आप भी प्रयोग कर सकते हैं, सब कोई भी अपनी अपनी चीजों में प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी चाबी से अपनी गाड़ी को ऐसे ऐसे करना, कहाँ गए जयेश भाई, एक बार दुर्घटना हुई थी ना लास्ट ईयर, हाँ लाल रंग की गाड़ी खड़ी है बाहर और इंडियन बच्चे खेल रहे थे, तो उसने पत्थर उठाया और उससे ऐसे गाड़ी के ऊपर ऐसे स्क्रैच कर दी, मजा आता है बच्चों को ऐसे काम करने में, अब यहाँ जितने भी बैठे हैं ना जिनकी लाल रंग की होगी उनकी आत्मा में हलचल चालू हो गई, और कृपया अभी चेक करने नहीं जाना, अब हो तो गई, अब उसमें ठीक तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बाद में देखें, तो मुझे ये 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 जो बिंदु है कि जिस काल में वे परिस्थितियां बनती हैं उस काल में भी हमारा वही निर्णय रहता है, कि वो निर्णय सिर्फ घंटे भर यहाँ के लिए है, कि कोई वक्ता प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर देने के लिए वो निर्णय है, कि वो निर्णय 24 घंटे चलता है, ये अभयदान का, अभयदान मतलब अभय प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट उपाय है तत्वज्ञान, और डरपोक बने रहने का सबसे सरल उपाय है ज्ञान मत कर लेना, नहीं तो आप निर्भय हो जाएंगे और कईयों की दुकानें बंद हो जाएंगी, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, किसमें, क्या आपको सुखी होना है, कि हाँ होना है तो बोले ये दरवाजा निकाल के यहां लगा लो, हैं ऐसे लोग भाई, हमको हमारी समस्या ये थी यदि ये सब सही है तो फिर 8 कर्म और 148 प्रकृतियां क्या करेंगे बैठे बैठे भाई, यही अगर पुण्य पाप के उदय लाने लग जाएंगे तो उनका क्या होगा, किन का, अच्छा इसका मन का चोर क्या बोलता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होगा क्या, अपनी आत्मा से पूछना कि सच में ही निमित्त नैमित्तिक मान रहे हो या कर्ता कर्म मान रहे हो, वो तुम्हें ही पता होगा, लक्षण मिलाओ, और लक्षण कैसा होना चाहिए, पहला नंबर उसका दोष कौन सा है, अव्याप्ति, दूसरा दोष कौन सा है, अतिव्याप्ति, तीसरा दोष कौन सा है, असंभव, आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी साहब आपको कैंसर है, अंदर से आवाज आना चाहिए असंभव, क्यों,
इम्पॉसिबल, मिलान नहीं होता है कि नहीं ये मशीन सही है, कि हमने मशीन की तो समस्या ही नहीं है। मैं तो लक्षण लक्ष्य से मिला रहा हूं कि जिसको आप कह रहे हो कैंसर हुआ है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कैसा है बोलो, कैंसर प्रूफ है। चीजें आती हैं आजकल तरह तरह की, उसमें क्या है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है इसलिए दुख अपार खड़ा हुआ है, अपार खड़ा हुआ। किस स्तर का दुख खड़ा हुआ उस अज्ञान से आप सोच नहीं सकते हो। ज्ञानचंद जी, कईयों को बता चुका हूं, आपको भी बताता हूं कि ये डब्बा में लाया था, और आजकल ये डब्बे सस्ते नहीं आते, लाया घर में रखा, उतनी देर में बच्ची उठी, उसने देखा कुछ पे लगा हुआ है, नल के नीचे गई, उसने उसको पानी से बिल्कुल धोया अच्छे से, और इतने में समझो दो मिनट बाद मेरी नज़र गई, भाई क्या करें। जब घर में शांति हो जाए इसका मतलब क्या है कि बच्चे को कुछ स्पेशल काम मिल गया है, उसको ढूंढ के देखो क्या कर रहा है, बहुत देर से आवाज नहीं, अरे वो बिल्कुल, और बड़े प्यार से मैंने साफ कर दिया। अब जो जो भी उसकी प्रतिक्रिया हुई होगी उसका आप अंदाजा लगा लो। उसको ज्ञान भी दिया होगा, उसको भय भी दिखाया होगा, आइंदा मेरे फोन से हाथ लगाया तो समझ लेना, जो जो किया होगा, और चालू करके देखा तो भाग्य से चालू हो गया तो जान में जान आ गई, और फिर हम उसको ऊपर रखने लग गए उसकी पहुंच से बाहर। मुझे ये नहीं बताना, मुझे इसके बाद का बताना है क्या, कि जब रात को फुर्सत से बैठा, इसके साथ एक शास्त्र आया था, एक शास्त्र इसके साथ आया था, बुकलेट आती ना बुकलेट, इससे संबंधित शास्त्र है, मतलब उस शास्त्र में इसके गुण बताए हैं, और मैं बैठे बैठे पढ़ा, उसकी पहली लाइन थी दिस डिवाइस वाटरप्रूफ। अब तो प्रतिकरण पच्चा खान होने लग गया। मैंने व्यर्थ ही बच्ची पे चिल्लाया, क्यों, क्योंकि ये तो वाटरप्रूफ था, मैंने व्यर्थ ही आकुलता, आप समझे, अब जो पश्चाताप का आधार है वो क्या है, अज्ञान, और क्रोध का आधार ज्ञान, और क्रोध का आधार क्या था, अज्ञान। एक नहीं ऐसे 17, फिर वो पेन लेके ऐसे खुरुच खुरुच करे तो फिर घबराहट हुई, फिर हमने अगली पंक्ति देखी, ये स्क्रैच प्रूफ है। तो जो जो हम इसके गुण जानते जाते हैं क्यों तो हम में निर्भयता आती जाती है। एक बार इस चैतन्य के फीचर्स देख तो शास्त्र में क्या लिखे हुए हैं, क्यों हमने जैसे ही कहा कि तुझे कैंसर हो गया है तो बोलो क्या जवाब आया, कौन सा दोष, असंभव, असंभव, क्यों, क्योंकि ये लक्षण ही नहीं है, मैं तो रोग से प्रूफ हूं, मैं तो रोग से मुक्त हूं। अब आप बूढ़े हो गए, 2-4 साल में तो मर जाओगे ऐसा लग रहा है, सही बात है, सही बात तो बोल रहे, हाँ सही बात है, अरे आप बोलो असंभव, क्यों, क्योंकि आप जिसको देख के बोल रहे हो ना मर जाओगे, किसको देख के बोल रहे हैं, इस पर रस गंध वर्ण के अलावा बोलो मुझे क्या पकड़ में आएगा, और मार्ग किसको रहे हैं, चैतन्य। तो लक्षण तो मिलाओ थोड़ा सा, मरोगे क्या, नहीं अब नहीं, प्लान कैंसिल, अब नहीं मरेगा भाई, आप देख लो ना, आप इस देखो जैसे इसका शास्त्र वो था ना, तो इसका शास्त्र ये, तो इस शास्त्र में देख लो, यह आत्मा मरण से जन्म से रहित है, मरण प्रूफ है, मेरा मरण होता ही नहीं है, मेरा जन्म होता ही नहीं है, हम उस स्तर की बात कर रहे हैं। अब 10 लाख रुपया घट जाएं तो आकुलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि होनी तो नहीं चाहिए, होती है कि नहीं होती है, उसका आधार अज्ञान, और अब उसको बचना हो तो ज्ञान। हमारी वृत्ति क्या है कि वहां तो 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया था तो आपको गड़बड़ घोटाला लग रहा था, और 5 किलो दूध में 10 किलो पानी मिला दें तो, और 5 किलो दूध में 50 किलो पानी मिला दें तो, 5 किलो दूध में 100 किलो पानी मिला दें तो, बोले पंडित जी पागल फागल तो नहीं हो गए हो, इतनी मिलावट कोई करता है क्या, लिमिटेड करो,
मैं आपसे ज्ञान श्रद्धा से पूछो, हमने अपनी आत्मा के साथ कितनी मिलावट की है? एक आत्मा प्लस प्लस प्लस, अब आप अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट होगी, एक आत्मा प्लस शरीर प्लस मकान प्लस दुकान प्लस गाड़ी प्लस कुटुंब प्लस समाज प्लस मंदिर, मंदिर भी आत्मा के साथ प्लस है ना, माइनस तो नहीं है, कितना उन मिलावट की लिमिट आप देखो। 5 किलो दूध में 50 किलो पानी मिलाते हैं तो दूध की सत्ता ही गायब हो जाती है, कौन उसको दूध कहेगा। ऐसे ही मेरे ज्ञान ने मेरे श्रद्धा ने एक आत्मा में अनंत उद्गल पदार्थ मिला दिए हैं तो मुझे तो कहीं भी आत्मा नजर नहीं आती है, मुझे शरीर ही नजर आता है, मुझे मकान ही नजर आता है, मुझे दुकान नजर आती है, मुझे गाड़ी नजर आती है, मुझे मोबाइल सब नजर आएगा, आत्मा नहीं आएगी। आत्मा अभी भी है क्या नहीं है, तो नजर क्यों नहीं आ रही और कैसे आ सकती है? लक्षण से आ सकती है। हम यदि लक्षण बनाएं और निर्णय करें, लेकिन ध्यान रखना कैसे निर्णय होगा कि लक्षणों से, उस निर्णय का नाम क्या होगा कि परीक्षा। देखो अपने पास 4 मिनट हैं अभी। परीक्षा किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता एवं दुर्बलता का निर्धारण करने के लिए सावधानी पूर्वक जो विचार किया जाता है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा में क्या होता है कि जब आपको परीक्षा करनी होती है अथवा निर्णय करना होता है तो अनेक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना बाजार से, समझो हमको हार खरीदना हो, टोडमल जी साहब ने उदाहरण दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तच्चा अन्वेषण काले के तत्व के अन्वेषण के काल में बहुत ऊहापोह होती है, आराधन के काल में नहीं होती है। तो जब आप हार खरीदने जाते हैं तो आप उसकी परीक्षा करते हैं, परीक्षा करते हैं माने निर्णय करते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आप निर्णय कैसे करते हैं बताओ, कैसे निर्णय करते हैं भाई? उसके अकेले उससे ही अकाउंट के पैसे से ही कि और भी कोई लक्षण होंगे? अनेक अनेक अनेक, उस दुकान में तो यही वाला इतने का देखा था, इस दुकान में तो ये वाला इतने का है, उस दुकानदार का भी माता खा सकते हो, तो अच्छा बताओ वापस कितने का लोगे? अरे बोले पहले ले तो ले, कहते ही नहीं मैं बाद में लूंगा, पहले पता लगाऊंगा। मतलब ऐसे हजार प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन खरीद लेने के बाद पहनने का आनंद है। तो ऐसे ही वस्तु स्वरूप के अन्वेषण के काल में हजार प्रश्न उत्पन्न करके नक्की करो। तत्व विचार के खाते में टोडरमल जी साहब ने लिखा है, कभी विचार करता है, कभी बांचता है, कभी स्वाध्याय करता है, उसमें एक बात और लिखी है, प्रश्नोत्तर करता है। ये प्रश्नोत्तर क्या है? क्योंकि उससे तत्संबंधी ज्ञान निर्मल होता है और हमारे प्रश्नोत्तर बंद हैं। जैसी आत्मा हमने कही हाँ होगी, जैसी आत्मा दूसरे ने बताई हाँ वैसी भी होगी, जैसी आत्मा तीसरे ने बताई वैसी भी होगी। अभी सबसे बढ़िया चल रहा है, आप कौन दिमाग लगा है? और सच बात यह है कि प्रश्न दो ही स्थिति में नहीं होते हैं। कौन सी स्थिति में? या तो जिनको सब समझ में आ जाता है तब प्रश्न की जरूरत नहीं है, या जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, और खास करके वैसे लोग ज्यादा होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनके सब बाकी भी अटपटे अटपटे बन गए लग गए हैं। अभी तो एक नया वाक्य चल गया है, भैया यार तुम कहाँ दिमाग लगाते हो, सब धर्म एक है। ये सबसे बृहद वाक्य है पूरे विश्व का अभी, और नई जनरेशन को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इस वाक्य में राग द्वेष नहीं है। कितना क्षमा का परिणाम है, सब धर्म एक से, क्योंकि सभी तो धर्म है और सब अच्छी बातें सिखाते हैं। भाई साहब एक गिलास में जहर है, एक गिलास में अमृत है, एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, और मैं कहूँ लिक्विड लिक्विड एक जैसे और सब एक है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड, नहीं समझ में आया? तो कोई सा भी पीने को तैयार हो क्या? नहीं। क्यों? तो ये सब धर्म एक जैसे कैसे हो गए? देखो सामाजिक स्तर पर सबके प्रति समानता का व्यवहार करना ये सामाजिक व्यवस्था है, ये सामाजिक अवधारणा है।
लेकिन धार्मिक अनुसरण करना होगा उस समय तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि दोनों विरुद्ध बोल रहे हैं। एक कह रहा है कि यहाँ चींटी भी मर गई तो महापाप होगा, और एक कह रहा है कि धर्म करना है तो संगी पंचन जी का घात करो, और तुम कह रहे हो कि दो ही एक जैसे हैं। कैसे करे केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। ऐसा नहीं हो सकता है फूल फूल एक जैसे, नहीं भाई सब फूल फूल एक जैसे क्यों, कुछ बहुत खुशबूदार होते हैं और कुछ में कोई दम नहीं होती है। गाय का दूध और आक के पेड़ में जो दूध होता है, देखा आक के पेड़ का ऐसे पत्ते होते हैं जिनको तोड़ो तो उसमें से दूध निकलता है, एक ही है दोनों, सब एक ही है। कैसे करे केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। रीरी होत पीरी पेना रीस करे कंचन की, कहां कागवाणी कहां कोयल की टेर है। समझ में आया, रीरी होत पीरी पेना रीस करे कंचन की, यद्यपि पीतल जो होती है ना वो पीली होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की होड़ करेगी। कौन पीतल कैसी होती है, पीली, इसका मतलब क्या है सोने की बराबर होगी, सोना भी पीला होता है भैया, पीतल भी पीली होती है, क्या फर्क पड़ता, दो ही एक ही है, कि तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा, एक 200 रुपए किलो की चीज है और दो एक 200 रुपए में मिलीग्राम भी नहीं आएगा, लेकिन हमने सबका भेड़ा कर दिया, बहुत अंतर है। कहां कागवाणी कांव कांव और कहां कोयल की टेर है, कहां भानुवारो कहां तो सूर्य का प्रकाश, कहां अगिया विचारो कहां अगिया माने वो जुगनू, आप किसकी तुलना किससे करें, कहां भानुवारो कहां अगिया विचारो कहां पूनों को उजारो कहां मावस अंधेर है। भूधरदास जी ने लिखा है ये, और किस परिपेक्ष में लिखा था कि तूने जो सब समान कर दिया है ना, हम उसका थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, आइडिया देते हैं आपको अंतर क्या है। समझ में आया कितना अंतर है, कितना अंतर, कितने सारे दृष्टांत दे दिए एक साथ, मैं अब डायरेक्ट पढ़ता हूं और उसका स्वाद लो आप आइसक्रीम की तरह, ऊपर देखो कितना मजा आएगा। कैसे करे केत की कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। रीरी होत पीरी पेना ऋष करे कंचन की, कहां कागवाणी कहां कोयल की टेर है। कहां भानुबारो कहां अगिया विचारो कहां पूनों को उजारो कहां मावस अंधेर है। पच्छ छोड़ पारखी निहारो नेक नीके कर, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जैन बैन और बैन इतनो ही, जैन वाणी में और वाणी में इतना ही अंतर है, कितना इतना ही अंतर है बस। और ये अंतर कहां से आएगा, लक्षण से। इसलिए यदि आपको वस्तु का स्वरूप समझना हो तो हम उस वस्तु के स्वरूप को यानी कि वस्तु का लक्षण बनाएंगे, और जब हम लक्षण बनाएंगे तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनका जो लक्षण बनाया जाए वो निर्दोष हो। और खास करके चर्चा हमने इसलिए प्रारंभ की है क्योंकि हमको सर्वज्ञ सिद्धि तक पहुंचना है, सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है, आप्त की सिद्धि करनी है, और हमारे आचार्यों ने परीक्षा की है, ग्रंथों के नाम है हमारे यहाँ आप्त परीक्षा, ग्रंथों के नाम है आप्त मीमांसा, भगवान के ऊपर विचार किया है, भगवान की परीक्षा की है। क्यों परीक्षा की है, क्योंकि एक बार थोड़ी मेहनत लगेगी परीक्षा करने में, और परीक्षा करके निर्णय लिया तो ब्रह्मा भी आके कहेंगे कि ऐसा नहीं, तो आप कह सकते हो कि नहीं मुझे अब कोई डिस्कशन नहीं करना है, मैंने सारे लक्षण मिला लिए हैं और मुझे यह सत्य भाषित हुआ है। भाई एक तो ये लिखा है किताब में आग गर्म होती है, और एक आप खुद उसको छू के देख लो, और फिर कोई कितना ही बड़ा आए व्यक्ति ये कहे कि आग ठंडी होती है तो आप क्या कहोगे कि जाओ जाओ अपना काम करो, क्यों, मैंने छूकर देखा है। अभी हम भ्रमित क्यों हो जाते हैं, वो तो ऐसा कह रहे थे, उनने तो ऐसा कहा था, उनने तो आत्मा ऐसी बताई थी, ये तो कह रहे थे तुम पढ़ते पढ़ते रहे तो थोड़ा ध्यान व्यान किया करो दो चार घंटे कम से कम तो आत्मा मिलेगी। तो ये जो तरह तरह के आपको उपाय बताए जा रहे हैं, तो आपको आत्मा कैसे मिलेगी कि लक्षणों से, इसलिए उसके लक्षणों को पहचान कर वस्तु के स्वरूप का निर्णय करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम।